कभी-कभी हैरतअंगेज होती है जब मैं बड़े-बड़े इंडियन सेलिब्रिटी को देखता हूँ कि जिस तरह से इन्होंने कोको कोला या तो सॉफ्ट ड्रिंक का जिस तरह से विज्ञापन किया है। क्या आपको लगता है कि सॉफ्ट ड्रिंक का विज्ञापन करना जरूरी है? क्या आपको लगता है कि सॉफ्ट ड्रिंक का विज्ञापन इन्हीं खिलाड़ियों के से किया जाए तो बढ़िया है? या क्या आपको लगता है कि इंडियन सेलिब्रिटी या तो इंडियन क्रिकेटर या तो इंडियन एक्ट्रेस जो हैं इस तरह के विज्ञापन करके अपने युवा पीढ़ी को कुछ अच्छे संदेश दे रहे हैं? मेरे को तो नहीं लगता, आपको लगता होगा, मेरे को नहीं लगता है। मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटी देखे, मैंने भारत रत्न क्रिकेट खिलाड़ी को भी देखा, मैंने बुमराह से अच्छे बॉलर को देखा, मतलब इवन मैं हैरान नहीं हूँगा, मतलब आधे से अधिक सेलिब्रिटी जिन्होंने ज़िंदगी में कभी ये सब सेवन नहीं किया होगा, ज़िंदगी में कभी सेवन नहीं किया होगा, उन्होंने भी इस तरह के प्रोडक्ट का विज्ञापन किया है। और हैरानी की बात ये नहीं होगी कि हम लोग हमारे फॉलोअर हैं, मतलब हमारे देश में ऐसे फॉलोअर गधे हैं, कुछ फॉलोअर्स ऐसे भी हैं जिनको पूरी तरह से समर्पित हैं, मतलब सचिन तेंदुलकर मतलब गोड गोड ऑफ क्रिकेट, और इनका फॉलोअर ऐसा है मतलब मेरे से होंगे या तो मेरे से बड़े होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, इनका फ़ैन होंगे। और जब सचिन तेंदुलकर ये बात बोलता है कि नहीं कोको कोला पियो, मतलब उनका दिमाग में छप जाता है, कॉन्शियस माइंड में आ जाता है कि सचिन तेंदुलकर जब इसका विज्ञापन कर रहा होगा मतलब ये सही हो। लेकिन 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 जब मैं ये चीज़ देखता हूँ कि एक खिलाड़ी है जो 2022 के वर्ल्ड कप में, मतलब फुटबॉल वर्ल्ड कप में, जब एक खिलाड़ी इस तरह के बोटनों को केवल हटाता है या हटाया है, तो कहाँ चली जाती है हमारी मतलब सोचने की क्षमता। और वो जब खिलाड़ी अपने सीन में दिखाता है कि वो भी जो सॉफ्ट ड्रिंक का बोतल जो है एक जगह से दूसरी जगह रखता है, उसी में मतलब करोड़ों लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है कंपनी को। आप इमेजिन करिए ऐसे खिलाड़ी जो रियल में रियल मॉडल हैं, जो रियल में सेलिब्रिटी हैं उनका, और हमारे देश में जो इंडियन के सेलिब्रिटी हैं, इंडियन के खिलाड़ी हैं और इंडियन सेलिब्रिटी हैं, जैसे ये कुछ बंदे हैं हमारे इंडस्ट्री में जो घाव भरे हुए हैं, जो घाव की तरह नोच रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि हम ये सॉफ्ट ड्रिंक को बायकॉट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में ऐसे ऐसे फॉलोअर हैं अभी भी जो अगर मैं इनको बायकॉट कराऊं तो आपको लगेगा कि ऐसा करना गलतफहमी है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। आप सॉफ्ट ड्रिंक का धीरे धीरे डोज लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितनी बड़ी बीमारी आई है, आपको इमेजिन ही नहीं होगा कि इस तरह के सॉफ्ट ड्रिंक से क्या इम्पेक्ट होगा। लेकिन एक दो लफेंगे लुचेंगे होंगे जो इनका प्रमोशन कराएंगे, आपको विज्ञापन में लेके आएंगे, उनको दिखाएंगे और आपको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा कि इसके वजह से ही आप ज़िंदा रहेंगे। मतलब आप विज्ञापन करिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा विज्ञापन करिए जिससे क्या है, लोकल पब्लिक आपके सेंटीमेंट से जुड़े, आपके आपके प्रोडक्ट से जुड़े उस प्रोडक्ट से, और उसको कुछ हानि ना हो, जैसे इस खिलाड़ी ने दिखाया। मैं इस खिलाड़ी को तहले दिल से सलाम करता हूँ, ऐसे ऐसे विज्ञापन हटने के लिए, ऐसे ऐसे एक करने के लिए, जो हमारे इंडियन सेलिब्रिटी में ऐसी हिम्मत नहीं है और ना कभी होगी। इस खिलाड़ी को मेरे तरफ से सजदा।